Next is Vishwendra Prasad Nahi. Maniya Upasabhapati Ji. आपने मुझे मधुर संहिता 2019 में बोलने के लिए मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो 32 श्रम कानून हैं उनको 4 कोर्ट्स में रखने का काम किया है। इसमें कुछ शंकाएं हैं, इन्होंने जो धारा 42 में कहा है कि सदस्यों के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों का प्रस्ताव है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्वतंत्र व्यक्ति कौन होंगे, कौन हो सकते हैं। हालांकि ये राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, लेकिन इसमें योग्यता का कोई विवरण नहीं है, और ऐसा लगता है कि राज्य जिसे चाहे इस पद के लिए योग्य मान सकती है। मानो जो मजदूरों के काम करने वाले थे, ठेकेदार आ जाएंगे, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो मजदूरों के ठेकेदार हैं, माफिया हैं, वो इसके मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। तो आज पूरे देश में, आज जिस हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, कि मजदूरों की ही देन है, मजदूरों ने बनाया है। आज दुनिया के जितने भी आप देख रहे हैं मजदूर बना के खड़ा किया है, आज उनके मिनिमम वेजेज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज बाजार में क्या रेट हैं, मजदूरी के महंगाई कहाँ पहुँच गई है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सुरक्षा। हम तो बुंदेलखंड से आते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में घाटे की खेती हो रही है, किसान भी मजदूर के रूप में ईंटा भट्टा के रूप में जा रहा है, कहीं ईंटा गारा करने जा रहा है बड़े शहरों में। ये स्थिति है, पढ़े लिखे नौजवान 18 करोड़ से ज़्यादा जो नौजवान बेरोजगार, आज हम जब ट्रेनों में जाते हैं तो जो बेड रोल वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई कितना पैसा मिलता है, उनका ठेकेदार को मैंने शिकायत कर दिया तो मुझे काम से हटा दिया। तो मंत्री जी, ये है परेशानियाँ। आज जो नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ कम होती जा रही हैं, संविदा पे नौकरियाँ हो रही हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको अकुशल मजदूर में ढकेला जा रहा है, और उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही। ठेकेदार तय करता है कि आपको इतने रुपये में हम महीने में रखेंगे और छुट्टी का पैसा नहीं देंगे। अगर वो ठेकेदार पैसा काटता है, उसका शोषण करता है, उसके दंड के खिलाफ इसमें कहाँ व्यवस्था है, उसके लिए क्या करेंगे? आज पूरे देश में मैं गया था, वापी गया था, गुजरात में, सूरत में, सब जगह ठेकेदार हैं, मजदूरों के बंगलौर में ठेकेदार हैं, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, कंपनियों से लेते हैं ज्यादा पैसा और उनको आधा पैसा देते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो ये सब सारी बातें इसमें नहीं है, क्योंकि मानो जो महंगाई है, बाजार रेट, हम तो कहेंगे कि विश्व स्तर पे आप देखिए क्या मजदूरों की शान है, मजदूर अच्छे मकान पर रहता है, उनका सम्मान होता है। आज विश्व स्तर पे आप सोच ला रहे हैं तो विश्व स्तर पे मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए और पूरे देश में एक रूपता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं जगह के स्थान पर, स्टेट के आधार पर आप अलग अलग रख रहे हैं। महिला पुरुष का भेदभाव होता है, महिला को कम पैसा मिलता है, पुरुष को ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। मानवर, आज हम ये देख रहे हैं, आपने चर्चा किया होटल में काम करने, ढाबे में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, तो हम सेक्टर के लिए आपने अपने भाषण में चर्चा किया, लेकिन आज देश में जो है कोई अगर घर के काम के लिए कोई मजदूर जाता है तो उसे नहीं पूछते कि भाई कौन सा काम करना है, पहले उससे पूछते हैं कि किस जात के हो, कौन से धर्म के हो। ये जाति धर्म पूछी जाती है, तो इसके लिए कोई है आपके उसमें एक्ट में प्रावधान कि जाति धर्म ना पूछा जाए, उसे कहा जाए कि अगर दलित है, अल्पसंख्यक है, तो उसको काम में नहीं लिया जाएगा, उसको कहते हैं भाई हमारे यहाँ दलितों का काम नहीं है, हम दलित का छुआ हुआ हम खाना नहीं खा सकते, हम उसको सफाई में नहीं रख सकते, अपने किचन में नहीं रख सकते। ये सब सारी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, मानवर आज इतने कड़े कानून होने के बाद बताइए चाइल्ड लेबर के लिए आपने ख़त्म किया क्या? नहीं ख़त्म है,
आप चले जाइए, चाहे जिस ढाबे में चले जाइए, चाहे घरों में चले जाइए, यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं ज़्यादा बात ना करूँगा, सबके घरों में चेकिंग करा लीजिए, देखिए जाकर तमाम चाइल्ड लेबर काम कर रही है। इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। और जो मजदूर पूरे परिवार सहित माइग्रेट करता है, हमारे बुंदेलखंड की समस्या है सबसे ज़्यादा, उनके बच्चे पत्नी वो सब काम उनके साथ सोशल अत्याचार होता है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंजाम है, उनकी चिकित्सा के लिए क्या इंजाम है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या इंजाम है। जो भट्टा मजदूर ले जाता है तो उसके लिए जंगल में खेत में भट्टा है, वहाँ न तो पढ़ाई का इंजाम है, न तो कोई चिकित्सा का इंजाम है, न तो वहाँ उनकी सुरक्षा का इंजाम है, उनके साथ अन्य अत्याचार शोषण होता है। मानो इतना ही नहीं, आज जो जोखिम भरे काम है, जो जोखिम भरे काम है उसकी मजदूरी, बाजार में चले जाइए उसकी मजदूरी अलग है। आपने चर्चा किया, मैंने उसमें देखा कि आपने कहा जैसे भट्टा मजदूर, खेतिहर मजदूर, गटर नाले साफ करने वाले, सीवर साफ करने वाले, घरेलू मजदूर, तो गटर नाले साफ करने वाले आज तमाम कानून बने होने के बाद सरकार मशीनें नहीं ला पाई, आज मौतें हो रही हैं, मर रहे हैं मजदूर जबरदस्ती। यहाँ तक जब कोई कैजुअल्टी होती है, बाढ़ आ गई है, बाढ़ में जो मृत्यु होती है, पूरे देश में सब जगह बाढ़ है, जब कोई कैजुअल्टी होती है तो वहाँ पर पुलिस जाती है और मजदूर को जबरदस्ती पकड़ के उसको शराब पिला करके उसको कहते हैं कि जाओ उसको लाश को उठा के लाओ, कुएं में अगर कोई गिर गया उसको उठा के लाइए। तो ऐसे जोखिम भरे मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या आपने इंजाम किया इसमें? सड़क पुल निर्माण करने वाले ठेकेदारों, अक्सर हम लोगों ने देखा है, व्यवहारिक बताएं मंत्री जी, कोई भी मालिक चाहे बिल्डर हो, सड़क बनाने वाला, पुल बनाने वाला हो, या मजदूर ठेकेदार हो, अगर उसको घाटा हो जाता है, मजदूर का पैसा दबा के रखता है, और जब सड़क पुल बनाने वाले ठेकेदार को या बिल्डर को घाटा हो गया, तो बिल्डर का घाटा नहीं होता, वो लेबर का घाटा होता है, सारा पैसा उसका मर जाता है। इसका इंजाम है कहीं आपको? सुन, ये इसमें कुछ देखने की जरूरत है। हम देखते हैं हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, जो समुद्री मछुआरे हैं, पूरे देश से मछुआरे जाते हैं, मछली शिकार करने के लिए ले जाया जाता है, उनको जबरिया ले जाया जाता है, और जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो उनको पकड़ ले जाते हैं, तमिलनाडु गुजरात से लगा के ओखा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के मजदूरों को पकड़ ले गए, उनके जीवन के बारे में उनको उनका मर्डर हो जाता है। ऐसे मजदूरों की सुरक्षा के बारे में आपका क्या इंजाम है कि ऐसे मजदूरों को, जो मजदूरों को ले जाते हैं तो उनके जोखिम भरे काम को ले जाते हैं और जबरदस्ती उनको पकड़ करके काल के गाल में पाकिस्तान के कराची की जेल में आज बहुत से बंद हैं? तो ये मजदूरों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इतना नहीं मानो, आज आपने इसमें तो तय कर दिया, लेकिन मनरेगा का क्या किया आपने? मनरेगा अलग मजदूर है क्या? मनरेगा भी तो इसी में आ रहा है, मनरेगा को भी इसी पे लाइए और मनरेगा की मजदूरी भी इसी आधार पे फिक्स करिए आप, उसमें 182 रुपया देंगे आप, तो उसमें एक रूपता लाने का काम करिए। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे माननीय मंत्री जी, देश की केंद्रीय सेवाओं एवं राज्य की सेवाओं में अलग अलग मानदेय समान कार्य के लिए दिया जा रहा है, इसको एक रूपता होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आज हम देख रहे हैं नौकरियां कम हो रही, बच्चे पढ़ लिख करके संघ लोक सेवा की परीक्षा दे रहे हैं,
आईएसपीसी पीसीएस बनने के लिए परेशान है, लेकिन एक नया कानून आ गया है कि विशेषज्ञों के नाम पर बिना उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी में भर्ती हो गई, 9-10 हो गए, और बताते हैं 200 विशेषज्ञ भर्ती होने वाले, तो बच्चे जो करोड़ों लाखों बच्चे जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? आज जो मजदूरी करने के लिए बेबस हैं, ईटा गारा करने के लिए बेबस हैं, तो ऐसी व्यवस्था आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। जो आपने मर्जर किया है ये तमाम कानूनों को, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये दोनों क्लब हुई थी, इन दोनों संघों के कामगारों को 4-5 साल लगा था सेटलमेंट करने में, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस। तो मानवर मैं सभापति उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम कहना चाहते हैं राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो क्यों ना हो राइट टू वेजेज, राइट टू वेजेज होना चाहिए मजदूर को, कॉमन वेज होना चाहिए, पूरे देश का एक समान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री चाहूंगा कि जब बोलेंगे इसमें कुछ संशोधन करें। थैंक यू। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनकी परेशानियां हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।